नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे और मस्त रहे। दोस्तों, हमारे देश भारत वर्ष में तरह तरह के जड़ी बूटी, तरह तरह के वनस्पति और तरह तरह के फल पाए जाते हैं, जो कि ये सारे मनुष्य जाति के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन जानकारी के अभाव में अक्सर हम लोग इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस फल के बारे में बताने वाले हैं, उसका नाम है अमरूद। जी हाँ दोस्तों, अमरूद तो हमें सालों भर नहीं मिल पाता है, लेकिन इसकी पत्तियां हमें सालों भर मिल जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अमरूद के पत्तियों के फायदे के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको एक नहीं बहुत सारे फायदे मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अमरूद के पत्तियों के प्रयोग से पुराने सर्दी, जुखाम, खांसी को ठीक किया जा सकता है। फेफड़ों में जमी कफ को भी बाहर निकाला जा सकता है। साथ ही साथ दांत के दर्द हो, पेट के दर्द हो, मुंह के छाले हो, चेहरे के झुरिया हो, इसको भी अमरूद के पत्तियों के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सर्दी, जुखाम, खांसी व फेफड़ों में जमी कफ को कैसे बाहर निकाला जाए व ठीक किया जाए। दोस्तों, अमरूद के पत्तियों के अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व पाए जाते हैं, जो कि सर्दी, जुखाम, खांसी से राहत दिलाने में बहुत ही मदद करते हैं। तो इसके लिए 10 अमरूद के पत्तियों के साथ 5 काली मिर्च और 5 लौंग मिलाकर 1 लीटर पानी में डालकर इसका काढ़ा तैयार कर लें। अब इस काढ़ा को सुबह शाम प्रयोग करें। सर्दी, जुखाम, खांसी ठीक हो जाएगी व फेफड़ों में जमी कफ भी बाहर निकल जाएगी। इसके बाद दांत दर्द, मुंह के छाले को ठीक करने के लिए अमरूद के पत्तियों का काढ़ा बनाकर इसमें फिटिकरी मिलाकर कुल्ला करने से दांत दर्द व मुंह के छाले पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। इसके साथ साथ पेट दर्द को ठीक करने के लिए अमरूद के पत्तियों के रस में हल्का काला नमक मिलाकर इसको पीने से पेट दर्द भी ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ चेहरे के झुर्रियों को खत्म करने के लिए अमरूद के पत्तियों का पेस्ट बनाकर चेहरे पे लेप करने से चेहरे के झुर्रियां भी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे जल्द जुड़ते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद।